हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग ने टाइटल तो पढ़ा ही होगा। यस गाइस, मैं जा रही हूँ मेहंदी फंक्शन के लिए, और जिसके लिए मुझे रेडी होना है। एंड रेडी होने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और स्पेशली मेकअप करने के लिए तो बहुत 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 ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं खुद को चैलेंज देने वाली हूँ कि मैं 30 मिनट्स में मेरा फुल फेस मेकअप कम्प्लीट कर सकूँ। मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप करना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ये मामाअर्थ का ओपन फेस वॉश। जो यूज करने से मेरा जो फेस है उसकी टैनिंग रिमूव हो चुके हैं, पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है, ये डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड है, एंड ये सारे स्किन को सूट करता है यार। और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। अभी फेस क्लीन हो चुका है, उसके बाद टोनर और मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया। अभी मेरा ये मेकअप चैलेंज वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं आज का ये चैलेंज जीतने वाली हूँ या हारने वाली हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, फ्री है, फ्री है। सो गाइस, मैं अभी चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने जितने भी मेरे ब्रेकअप के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखे हैं, एंड अभी मैं यहाँ पे ये टाइमर जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले प्राइमर लगा लेते हैं। मैं ये वाला प्राइमर यूज कर रही हूँ, लेकिन नहीं है स्टार्ट। गाइज, नेल्स की वजह से बहुत ज्यादा इशू होने वाला है। ये नेल्स जो मैंने अभी अभी बनाए, इसका ब्लॉग मैंने अभी तक डाला नहीं है, और मैंने ये बाल भी मैंने बंद नहीं किए। तो मैंने ये बाल बंद नहीं करूंगी ना, तो ये बार बार मेरे बीच में आने वाले हैं। कैसे होगा 30 मिनट्स में पता नहीं, लेट्स सी। मैं फटाफट से इसको बाल को बांध देते हूँ, और अपने अपनी आंखों के नीचे लगा लेती सबसे पहले। जल्दी जल्दी मेकअप ना मैंने आज तक कभी नहीं किया, और मेरे से होता भी नहीं है। लेट्स सी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। ओह माय गॉड, मेरे हाथ पे लग गया। अरे यार, नाखून में सांप के अंदर ना चला गया। सबका मेरे आंख के अंदर जाने वाला। अबे यार, what nonsense is this? अभी मैं लगा रही हूँ ये फाउंडेशन। हमको तो नहीं लगता कि 10 मिनट में होगा। रुको जरा, सबर करो। इस हिसाब से मेरी मेकअप डिस्प्ले है। बहुत अच्छा, भी जल्दी करना पड़ेगा सब। इसको खुला रखो, बार बार मुझे खोल के बंद, खोल बंद करना पड़ता है। इसको लगा लेते हैं सेटिंग पाउडर, सेट अप बेस, बिकॉज इसके बिना तो मेकअप सेट होगा नहीं, तो ये तो चाहिए, जरूरी है। गाइस, मैं तो मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट सो प्लीज डोंट जज माय मेकअप, बट लेट्स सी भी ऐसा होता, बिकॉज मैं यूजुअली कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं उसकी खुद ही खुद का मेकअप कर लेती हूँ। सो लेट्स सी कि कैसा होता है। और तो जल्दी करूँगी तो फिर और भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। ओके, यस, ओके, डन। अभी ये लगा लेते हैं थोड़ा सा लाइट करने के लिए। ओह माय गॉड, ये प्रोडक्ट खत्म हो गया है क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा। ओके, से खत्म हो गया है, इसको नया लेना पड़ेगा। चलो चलो, नया पहले कुछ कर गया। अभी अच्छे से अरे मेकअप करने मिला।
अभी 7 मिनट हो गए हैं, अभी तक मेरा बेस भी सेट नहीं हुआ है। फिर से एक बार सेटिंग पाउडर से अच्छे से ये सेटिंग पाउडर से अच्छे से सेट हो गया है। लेट्स डू समथिंग। क्या करूं मैं, क्या बहुत काम की चीज आज निकलो निकलो। मेरे नाखून के अंदर भी फाउंडेशन लग गया। शिट, मेरा बेचारा नाखून चलो बताकर बाद में निकालती हूँ इसको। अबे निकल, तब तो 10 मिनट हो गए होंगे शायद। निकल रहने वाली थी। हाँ, आईलाइनर, आईशैडो, आईशैडो लगाना, कंसीलर लगाना, कुछ पिंक कलर लगाना। हाँ, इसमें से कौन है? इसमें जॉसेम सेम। ओके, कौन सा पिंक लगाऊँ? ये वाला लगाऊँ? मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। ये लगाओ। हाँ, सा कलर लगाना मेकअप पर यही सोचने टाइम चले गए। आई गेस कुछ ये वाला लगाना चाहिए। ओके, ये वाला ही लगा लेते हैं। रिक्वेस्ट में ज्यादा करना पड़ेगा। चल सर, पिंक हो गया क्या? पिंक अच्छा लग रहा है क्या? बस पिंक ही करना चाहिए। मेरा आउटफिट समथिंग पिंक जैसा ही है। पता नहीं कैसा लग रहा है। बस ठीक है। I guess ठीक है। चमकी कहाँ है? चमकी मतलब थोड़ा सा शिमर वाला लुक, लेकिन मैं थोड़ा सा चमक भी लगा लेती हूँ। दस मिनट से ज्यादा हो गया होगा। 15 मिनट तक हो ही गए होंगे। खत्म होने है ये मीट। नहीं, कल मत जाना, कल के दिन मत जाना मेरे पर। इतने से मेरा में जम भी ले रहा है। मेरे को ओके, अभी आईलाइनर लग गया है। पता नहीं कैसा लगा आईलाइनर, तो आज तक कभी परफेक्ट लगता ही नहीं है। ठीक है, जो भी लग गया है। अभी क्या करना था मुझे? हाँ, मुझे आईलाइनर के थोड़ा सा ब्लश भी लगा लेता। कौन सा वाला लगाऊँ? पिंक ही लगा लेता। चमकी नहीं करना था मुझे, फिर हाँ चमकीला हो गया पूरा। उसी को ब्लश लगाना पड़ेगा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई कैसे दे रहा? बस 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 बस
हाइलाइटर लगा लेते हैं। इधर का हाइलाइटर इधर ले, खुल जा रहे। ये तो टूट ही गया था, पर ये टूट के इसका चूरा हो गया था। उप्स, कुछ तो गिर गया। अच्छे में ही खराब हो गया था, कुछ ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था। हाइलाइटर पे लग गया। हो गया। अभी लिपस्टिक लगाना बाकी। बॉर्डर जो है लगा के पूरा फिल करना, दो मैं ये लिपस्टिक पे पानी लगा लेती हूं, सो दैट आई कैन कंप्लीट माय फाइनल लुक। खुल जाऊं। ओके, सब फटाफट से फाइनल सब ये मेकअप फिक्स अप। माइक पे ना चले जाओ। डन हो गया। सो गाइस फाइनली मेरा मेकअप करके रेडी हो चुका है, तो चलो देखते हैं कि कितना टाइम हो गया। ओह माय गॉड, 30 मिनट्स गाइस क्रॉस हो गया। शाबाश बेटा, मतलब अराउंड 33 मिनट के आसपास है। मतलब बोल सकते हैं कि हाँ हो गया चैलेंज, नहीं बट 30 मिनट्स ही होता है, बट ये 33 हो गया, तो ऑफकोर्स ये चैलेंज तो मेरा कंप्लीट नहीं होता है। बट मेरा मेकअप जो है वो रेडी हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं ये चैलेंज जीती हूँ या नहीं। सो गाइस इससे एक चीज से पक्का पता चल गई है कि लड़कियों को रेडी होने के लिए टाइम तो लगता है यार, लगेगा ही ना, एक नहीं दो नहीं कितनी सारी चीजें लगानी होती है यार। इजी है क्या मेकअप करना? मेकअप करना तो एक आर्ट है, आर्ट। हालांकि मेरे को मेकअप आगे से नहीं, पर आई होप मेरा मेकअप जो आज का बना है वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और हाँ, ये सारी चीजें तो लगा रही थी, उस वक्त मैं एक चीज जो है मेकअप का प्रोडक्ट लगाना मिस कर दी, वो क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो मुझे रेडी होना है, मेकअप तो हो चुका है, मुझे जाना है एक फंक्शन के लिए जहाँ पे मेरी ये जो मैंने पहना हुआ है बेसिकली दिस इज अ रेडीमेड साड़ी, तो ये कुछ ऐसा है और ये देखो ये पहनना है मुझे अभी। सो लेट्स वेयर दिस, मैं इसको पहन लेती हूँ अभी। सो गाइस कुछ इस तरह की आउटफिट है, एंड ये रहा मेरा पल्लू साड़ी का। सो दिस इज वन, तो भी इसको लगा लेते हैं। तो भी पिन क्यों नहीं है? असा कसा लावायचा आहे ना, हे तो डिसाइड करायचं अजून। ठीक है चला, थिंक सो बराबर है रेडीमेड साड़ी को भी टाइम लगता है। बस अभी हो गया, हाई फाइनल शायद, ठीक है ना? नहीं वो साड़ी होता है सब अच्छे से दिखने के लिए, वो सब फ्री लाएगा ना तभी, तो ये तो रेडीमेड साड़ी है ना, तो ऐसा ही अच्छा लगेगा, समझी? अच्छा फाइन। सो गाइज ये रहा आज का मेरे फंक्शन का फाइनल आउटफिट, और ये आउटफिट जो है मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया था, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी कुछ ज्वेलरीज भी पहननी है, तो मैं पहले सारे ज्वेलरीज मेरे निकाल के लेके आती हूँ। ज्वेलरीज के लिए गाइज मेरे पास ये वाला एक सेट है नेकलेस का, आई गेस ये अच्छा लगेगा इस पे, तो चलो इसको एक बार पहन लेते हैं। अभी इयर रिंग ये जो पहन लेते हैं, ये जो नाखून है इसकी वजह से एक बड़ी तकलीफ होती है जिंदगी में, तकलीफ है आज के रेट पर। ओह गॉड, ओह माय गॉड, एक तो पहन लिया है, दूसरा भी पहन लेते हैं। ए कह गए
प्रूव करना इज अ स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल है ये। ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया, और कुछ बैंगल्स कर लेते हैं। तो मैं भी यही वाला बैंगल ताकि यू नो सिल्वर फ्लोर सारा मैचिंग हो जाए। थोड़ा ये हाथ में और थोड़े से ये हाथ में, बाल तो इसमें ओपन ही रखूंगी तो अच्छे लगेंगे। या आई एम रेडी नाउ, बाल भी करके हो जाएंगे और अच्छे टिकली नहीं लगाई है। सो गाइस अभी मैं फाइनली पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। आप लोगों को मेरा आज का ये लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे और भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।